हर वर्ष की तरह झिलमिलाती झांकियों का कारवां बीती शाम इंदौर की सड़कों पर उतरा था। अब 3 दिनों तक मिलों और अपने संस्थानों पर खड़ी झांकियों को शहरवासी देख सकेंगे। कल्याण मिल झांकी के प्रमुख और मिल मजदूर संघ के नेता हरनाम सिंह धारीवाल और हुकुमचंद मिल झांकी के प्रमुख नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि 3 दिनों तक अपने नियत स्थान पर झांकियां खड़ी रहती है और शहरवासियों के लिए उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इस दौरान सभी मिलों और अन्य स्थानों पर झांकियों के आसपास मेले जैसा माहौल रहता है। झांकियां रविवार, सोमवार और मंगलवार शाम 7 बजे से देर रात तक प्रदर्शित की जाएगी। जो लोग भीड़ में नहीं आते हैं या किसी कारणवश झांकियों का काफिला नहीं देख पाते हैं, उन लोगों के लिए शहर में 3 दिनों तक झांकियां खड़ी रहती है। हरनाम सिंह धारीवाल ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस बार लोगों में गणेश उत्सव की झांकियों को लेकर 2 गुना उत्साह देखने को मिला। 3 दिन का बहुत अच्छा उत्सव मनता है। अभी जैसे 8-10 लाख जनता आई है, धर्म प्रेमी जनता, और 2 साल कोविड से में रुका हुआ मामला है। अधिकतर जनता उस दिन इसलिए नहीं निकलती कि वो यहाँ झांकी देखने आती है और वहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जितना है उतना ही रहता है, गली और मोहल्लों में पुलिस नहीं रहती। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये गौरवशाली परंपरा के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। आज ही ये लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 लाख जनता आज ही आएगी शुरू दिन। कमचनी मिल में तो जो हमेशा व्यवस्था रहती है वो है, इस बार हमने झूले वगैरह भी लगवाए कि जनता यहाँ आके पूरा आनंद ले। और चाट चौपाटी वाले जो रहते हैं बेचारे, जो गरीब लोग कमाते हैं, वो तो हमेशा हर साल रहते हैं। और हमारी पूरी तैयारी सब मैं कमचन मिल की क्या मैं सभी मिलों की बोलूँगा, सब मिलों की पूरी तैयारी है उत्साह के साथ ये गौरवशाली परंपरा को यहाँ पे पूरा प्रदर्शन। हम भी जो झांकी चल समारोह में निकली थी वो पूरा के पूरा यहाँ जनता को देखने मिलेगा। कोई भी मूवमेंट हम बंद नहीं होने देंगे और झांकी शानदार दिखाएंगे। लाल मिल की झांकी भी आज से उसका दिखाना प्रारंभ करेंगे। 3 दिनों तक लगातार झांकी दिखाई जाएगी और जिस तरह से उसका स्वरूप पूरे चल समारोह में रहा था, 3 दिन भी उसी तरह से पूरा स्वरूप दिखाया जाएगा। और जितनी भी जनता आएगी उसकी सारी व्यवस्था करी है हमने, उनका रास्ते के लिए निकालने का रास्ता हमने पूरा वो करा है। महिलाओं का अलग से व्यवस्था रहेगी कि किसी महिला में कोई पुरुष नहीं लगे किसी प्रकार की, हाँ पूरी अलग रहेगी शांति। वो उसके नगर सेवा सुरक्षा समिति के सारे लोगों की टीम रहती है, पूरी व्यवस्था में रहेगी, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, तो पूरी अच्छी तरह से झांकियों का आनंद उठा पाएगी आज भी जनता।